पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी अब मिशन 2019 के लिए जुट गई है और इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने आज देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से की। वो उत्तर प्रदेश जहां की बड़ी जीत ने मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। पीएम बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि मोदी रायबरेली पहुंचे। नेहरू गांधी परिवार के इस गढ़ से मोदी ने 2019 का संदेश दिया। विकास की रेस में पीछे छूट गए रायबरेली को पीएम मोदी ने करीब 1100 करोड़ की सौगात दी। इतने बड़े पैमाने पर परियोजनाओं का सपना रायबरेली ने कभी कांग्रेस की सरकार में भी नहीं देखा था। पीएम मोदी ने यहां मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का लोकार्पण किया और खुद वहां हो रहे कार्यों का जायजा लिया। पीएम मोदी ने मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में बनकर तैयार हुए हम सफर कोच को भी हरी झंडी दिखाई। राष्ट्र को समर्पित नौसवा कोच और हम सफर रेल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा। पीएम मोदी ने रायबरेली बांदा हाईवे का लोकार्पण भी किया। इस हाईवे को 558 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। सौगातों की झोली रायबरेली की गोद में डालने के बाद पीएम मोदी ने लालगंज में जनसभा को संबोधित किया और रायबरेली की अनदेखी करने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। मैं पासी में बनी मॉडर्न कोच फैक्ट्री में था। मैंने इस फैक्ट्री में इस वर्ष बने 900वें डिब्बे को हरी झंडी भी दिखाने का मुझे अवसर मिला। जिस गति से अब वहां काम हो रहा है वह सचमुच में बहुत ही सराहनीय है। पहले की सरकारों की क्या कार्य संस्कृति रही है, कैसे देश के साधनों संसाधनों के साथ अन्याय हुआ है, इसकी गवाही रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री भी है। सवाल यह है कि पीएम मोदी ने गांधी परिवार की घेरेबंदी के लिए सीधा रायबरेली को ही क्यों चुना। दरअसल बीजेपी लंबे समय से कांग्रेस के गढ़ अमेठी और रायबरेली पर नजरें गड़ाए हुए है। 2014 में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को अमेठी से चुनाव मैदान में उतार कर इसका इशारा भी दे दिया था। स्मृति राहुल से भले ही चुनाव हार गई लेकिन अमेठी का दिल जीतने के लिए उन्होंने खून पसीना एक किए रखा। मोदी कैबिनेट में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की नजर राहुल के गढ़ पर बनी हुई है। वो हर 2-3 महीने में अमेठी आती रहती हैं। स्मृति अमेठी का दिल जीतने में लगी हैं, तो पीएम मोदी ने सीधे सोनिया के गढ़ में अपना जादू चलाने की पुख्ता रणनीति बनाई है। इस घेराबंदी की वजह रायबरेली से बढ़ रही सोनिया की दूरी भी है। सोनिया गांधी अपनी सेहत को लेकर रायबरेली ज्यादा नहीं जा पाती हैं। इस साल अप्रैल में वो आखिरी बार रायबरेली गई थी और उससे पहले साल 2016 में। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी सोनिया गांधी रायबरेली प्रचार के लिए नहीं जा पाई थी। हालांकि तब मीडिया के सवालों को दरकिनार करते हुए उनकी बेटी प्रियंका गांधी ने दावा किया था कि सोनिया 2019 में भी रायबरेली से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। जिले में मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी सांसद निधि का पैसा रायबरेली के विकास कार्य पर खर्च करने का फैसला लिया है। दांव 2019 का है, ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अभी से 5 महीने बाद रायबरेली पीएम मोदी की दी गई सौगातों को याद रख पाएगा या फिर गांधी परिवार को। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।